वहाँ पर जो मैनेज अधिकारी था उन्होंने आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट उन्होंने इशू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदेश कुमार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास कपल्स आते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो बड़ा भयभीत होते हैं, और जब उनको पेश करने के लिए मैरिज अधिकारी के सामने लेके जाते हैं तो वो डर रहे होते हैं और बार बार ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमसे कुछ पूछेंगे तो नहीं, या हमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया जाएगा जिसका हम जवाब न दे पाएँ। क्योंकि कुछ लोग अदर कास्ट में मैरिज कर रहे होते हैं, या फिर किसी दूसरे रिलीजन में, एक रिलीजन का व्यक्ति यदि दूसरे रिलीजन में मैरिज कर रहा होता है और उसमें परिवार राजी नहीं होता है, ऐसे कपल बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वह ये सोचते हैं कि यदि मैरिज अधिकारी के सामने उनको प्रस्तुत किया जाएगा तो वहाँ पर किस तरह के सवाल किए जाएंगे, किस तरह का उन्हें जवाब देना होगा, कुछ उनसे गलत जवाब ना निकल जाए, उनकी मैरिज पर कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कपल्स हमसे किया करते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको क्लियर करने के लिए, आपके डाउट्स को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को आज मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको सामने खड़े करके आपका कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक रिटर्न में फॉर्मेट तैयार होता है पहले से, वो हमारे द्वारा कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट की टीम उस फॉर्मेट को तैयार करके एक शपथ पत्र बनाती है। उस शपथ पत्र को आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस शपथ पत्र को जब आप पढ़ करके और साइन करके देते हैं तो उसी शपथ पत्र को हम मैरिज अधिकारी के समक्ष आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए दे देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि मैरिज अधिकारी आपको कोई बाउंड है कि वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। वो सारी चीज़ें वो पहले उसे रीड आउट करते हैं, उसके बाद यदि उनके मन में कोई इस तरह का विचार आता है तो वो कुछ क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। पर कोई भी अनाप शनाप या ऊट पटांग किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन आपकी डिटेल से रिलेटेड होता है, आपके वर्क से रिलेटेड होता है। ऐसे ही एक कपल के साथ आज हम आपको थोड़ी सी क्लिप शेयर करेंगे, जिसमें उनसे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो आपको पता लगेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए। जनरली जो मैरिज अधिकारी होते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि यहाँ जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं उनके सामने आप दोनों गए हो जी, वहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा कुछ पूछा था ना, उन्होंने क्या सवाल किए थे आप इस वीडियो में बताएंगे तो और लोगों को भी पता रहेंगे। उन्होंने नाम पूछा था, एड्रेस वगैरह पूछा था, कहाँ से शादी करी है ये पूछा था। ठीक है, आपने आयुष्मान इंद्र का बता दिया था ना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ और भी पूछा आपस में दोनों के, क्रॉस क्वेश्चन कोई किए डिटेल्स से, कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को साथ में, कितना टाइम हो चुका है जी जी। ठीक है, आप भाई करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और कितने साल से जानते हो एक दूसरे को, ट्रस्ट तो है ना एक दूसरे का। अच्छा, इस तरह की वहाँ पर जो मैरिज अधिकारी था उन्होंने आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट उन्होंने इशू कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर आवश्यक जानकारी आपको मिल गई होगी। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उस सवाल का जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।